रामलीला तीसरा अध्याय राम सिया वनवास। राम के राजा घोषित होने पर सब खुश थे, परंतु कैकेयी की नौकरानी मंथरा खुश नहीं थी। वो अपनी रानी के पुत्र भरत को राजा बनवाना चाहती थी। मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और वो भी उसकी बातों में आ गई। दशरथ ने उसे दो वरदान देने की बात कही थी और उसे लगा कि अब वो मांग लेने चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों का वनवास देने के वर मांगे। राजा दशरथ दिल से पीड़ित थे, लेकिन अपना वादा रखने के लिए बाध्य थे। राम ने बिना हिचकिचाहट के वनवास ले लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। पूरा राज्य दुखी था और इसी कारण कुछ समय उपरांत दशरथ की मृत्यु हो गई। अगला अध्याय कल।